तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में, बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने उस वक्त कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से। किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से। आप कहां थे सन 57 की जंग आजादी हुई, आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है, 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि बच्चों का हम पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर, आज आकर आप हमको सिखा रहे, आज आकर हमको बता रहे भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया, हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। क्या ये बात सच नहीं है? ये आरएसएस वाले शुरू कर दिए हम पे उंगलियां उठाना कि मुसलमान वाले भी ये बता दो। क्या ये बात सच नहीं है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या तुम्हारे गोलवालकर ने लिखा नहीं कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते, तीन रंग अशुभ कहा था उन्होंने, कहा था उन्होंने, ये रिकॉर्ड है। गोलवालकर ने कहा ये तीन तिरंगे के रंग अशुभ है, हम इसको नहीं मानते, भारत के आईन को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे आओ बैठो बताओ बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे, 5 मिनट में भाग जाओगे। आप हमको दर्द देने आए, आपको मालूम ही नहीं, मगर ये शुरू हो गए चुनाव उत्तर प्रदेश के, और वो शख्स जो पड़ोसी मुल्क है उसको मुद्दा बना रहे, और ये समझ रहे हैं कि मुसलमान खुश होगा। अरे मुसलमान नहीं खुश होगा, तुम जानते नहीं हो मुसलमानों की जहनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था ना अब है, ना इंशाल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा।